निकाय चुनाव का आपको बता दें कि पूरी तरह बिगुल बज चुका है। लगातार मैदान में उम्मीदवार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो हम कन्नौज में हैं और कन्नौज में देखिए ये चपट्टा मोहल्ला है जो सुब्रत पाठक का जो बीजेपी के सांसद है उनका ही ये इलाका पड़ता है। लेकिन वहाँ क्या मुद्दे हैं और वहाँ क्या चुनावी माहौल है यही जानने के लिए यहाँ इस बार चुनाव अब निकाय चुनाव आ रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ की समस्याएं क्या है आपके थे? उन्होंने कुछ किया नहीं, खास काम नहीं किया, कोई खास काम नहीं, यानी जो मौजूदा चेयरमैन है उससे खुश नहीं है आप? चाहिए कुछ भी, नाली टूटी, सड़क वड़क, ये कुछ तो करना चाहिए। साफ सफाई नहीं है? साफ सफाई तो है, लेकिन जो तो माहौल किसका लग रहा है इस बार, सपा या बीजेपी या फिर निर्दलीय या कोई और? अभी समय तो देखो किसी की पुख्ता सरकार बननी नहीं है। अच्छा, अभी सपा तो सपा बीजेपी की तो आई भीड़, लड़ाई सपा और बीजेपी की होगी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल निकाय? चुनाव का माहौल तो फिलहाल में जो कैंडिडेट इस बार था, पिछली बार कार्य तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन कुछ कमियां तो रहती हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल में हमारे हिसाब से तो रिपीट होना चाहिए। अच्छा, अब जैसे निकाय चुनाव आ गया, अब हालांकि लोकल इश्यूज पे होता है पर लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह योगी सरकार काम कर रही है, बुलडोजर चल रहा है, माफिया पशे, वो इफेक्ट वो उस गवर्नमेंट जो कर रही है ऊपर कर रही है प्रदेश स्तर पे या नहीं, तो ये असर नहीं आएगा कि लोग ये नहीं सोचेंगे कि बीजेपी ने ये काम? नहीं, तो ये तो दो धर्मों को बांटने वाला काम हो रहा है ना, एक धर्म के ऊपर बुलडोजर चल रहा है या वो है, हम उन चीजों से नहीं, हम राजनीति अपने आप मेरे लोकल इश्यूज की आप जो बात कर रहे हैं उसके लिए हमारा जो कैंडिडेट था वो फिलहाल में अच्छा था और आगे भी उम्मीद है अच्छा ही, यानी काम हुआ है आप मानते हैं? हाँ, काम हुआ। देखिए, कमियां तो कोई पूरा किसी की नहीं कर सकता है। अब वो सफाई करके गया, उसके आधे घंटे बाद कोई कूड़ा डाल दे तो तुरंत तो नहीं उठाने आएगा, वो अगले दिन उठाने आएगा। ये एक बड़ी बात। और देखिए, हम मोहल्ले मोहल्ले में हमारी कोशिश है कि जगह जगह जाएं, उधर भैया खड़े हैं, क्या लग रहा है इस बार का माहौल यहाँ कन्नौज? भाई, अभी प्रत्याशी पहले घोषित हो तब माहौल पता लगे, तब तक नहीं, मतलब जब तक तो कुछ नहीं है। लेकिन अब मौजूदा चेयरमैन ने काम किया, आपको लग रहा है? हाँ, बढ़िया काम किया हमारे शहर में, और हम लोग उसके काम से संतुष्ट हैं और चाहते भी हैं कि वही चेयरमैन बने। तो मुकाबला किस किस के बीच देख रहे हैं आप? हम पूरे शहर में उसने काम किया है, हम ये जानते हैं। अच्छा, तो लग रहा है बीजेपी या सपा के बीच टक्कर होगी या फिर कोई निर्दलीय बाजी मार जाएगा? हमको अपने पुराने चेयरमैन से मतलब है, किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, हमको सिर्फ अपने पूर्व चेयरमैन से मतलब है। तो एक पूर्व चेयरमैन यानी मौजूदा चेयरमैन ने काम किया। तो देखिए, चपट्टा मोहल्ले में ये सांसद ब्रजेश पाठक का मोहल्ला। चलिए अब आगे चलते हैं और जगह जगह, हमारे मकसद यही है कि ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाए निकाय चुनाव में, इलेक्शन की राम राम के जरिए कि आखिरकार शहर की सरकार कैसी होनी चाहिए। गलियों की बात करें, देखिए यहाँ गली बनी है मोहल्ले में। सफाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, यहाँ पर कूड़ा है, यहाँ पर ये हम पहुँच रहे हैं। और देखिए, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा मकसद आपको दिखा दें, वहाँ कुछ युवा हैं, चलिए उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है, लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोगों के इश्यूज क्या हैं। और कुछ युवाओं से बात करते हैं। इधर भैया खड़े हैं, आप युवा हैं, निकाय चुनाव आ गया जी, तो इस बार युवा क्या सोच रहा है? युवा बहुत अच्छा सोच रहा है जी, और वोट हिंदुवादी पे हम लोग देंगे, जो हिंदुवादी करेगा। हिंदुवादी पे देंगे, काम वाम पे नहीं? मतलब काम पे भी देंगे, काम भी बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा काम हुआ है। जो अभी वर्तमान चेयरमैन है उन्होंने काम अनुमति बनने मतलब बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, सफाई को लेकर के, लाइट पानी जो भी चीज है बहुत अच्छी काम, यानी शहर में आप मानते हैं सुविधा? जी जी बिल्कुल। अब अगर चुनाव जैसे योगी सरकार माफिया बुलडोजरों पे कार्रवाई करी है, वो इम्पैक्ट भी होगा क्या इस चुनाव में? सर, हमारे यहाँ कन्नौज में तो नहीं होना चाहिए इम्पैक्ट, क्योंकि कन्नौज में ऐसा कोई माफिया है नहीं अभी फिलहाल में, बाकी इम्पैक्ट तो बैठेगा बैठा, कानून राज चल रहा है। आपको क्या लग रहा है? जी सर, बात बिल्कुल सहमत है उनकी बात। यहाँ टक्कर किस किस की होगी, बीजेपी सपा या कोई और निर्दलीय? सर, निर्दलीय तो ऐसे तो अभी बता नहीं सकते हैं फिलहाल। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा उसमें। अभी होगा अभी मतलब पता नहीं इसे अभी। अच्छा, कैसे होगा? तो काम हुआ मौजूदा वक्त में चेयरमैन ने काम? जी किया? सर, काम बहुत किया, सब किया है। भैया, आप क्या सोच रहे हैं, आप युवा हैं? हमारा भी यही मुद्दा है कि मतलब एक बार बने चेयरमैन, दोबारा फिर वही बने, यानी मौजूदा चेयरमैन से आप खुश हैं? जी, हम बिल्कुल खुश हैं। आप जहाँ उन्होंने लग रहा है काम किया इलाके में? हाँ, काम किया, अच्छा काम किया। अच्छा, और भी इससे भी अच्छा होगा, यानी सुविधा है। लेकिन एक आवारा पशु का बड़ा इशू है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ भी ये है,
तो ये दिक्कत मानते हैं आप? ये दिक्कत तो है फिलहाल, शहर क्षेत्र में नहीं है, गांव क्षेत्र में है। और बाकी अपने जो सांसद जी हैं, ये दिक्कत उनके कोटा में आती है, अपने चेयरमैन कोटा में नहीं आती। नहीं, नगर पालिका का मतलब है कि आवारा पशुओं पर रोकथाम लगाए, ये जिम्मेदारी भी उनकी होती है। जिम्मेदारी तो है फिलहाल, लेकिन जब ऊपर से पूरा सपोर्ट मिलेगा तभी तो जिम्मेदारी पूरी हो पाएगी। चलिए उधर हम पूछ लेते हैं, उधर भी भैया हैं, आप तो समोसे बना रहे हैं। चुनाव है, हम निकाय चुनाव, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार यही लग रहा है कि टक्कर होगी, अभी कुछ सीटों का कंफर्म नहीं हुआ, कौन सा प्रत्याशी किस सिंबल से लड़ रहा है, तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब जैसे आप दुकानदार हैं, आप व्यापारी लोग हैं, आप तो थोड़ा बहुत छोटा काम आप करते हैं, लेकिन अब जिस तरह गुंडागर्दी पर शिकंजा कसा, वो चुनाव में फैक्टर रहेगा आप मानते हैं? बिल्कुल रहेगा, इसका असर 24 को चुनाव में दिखेगा और निकाय चुनाव में दिखेगा। जी बिल्कुल, बाबा का बुलडोजर चल रहा है। जी बिल्कुल दिखेगा इसका चुनाव। चलिए लगातार हम युवाओं से बात कर रहे हैं और हमारे कुछ युवाओं से और भी बात कर लेते हैं, यहाँ बैठे हैं। आप तो युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का? जी भैया, जो पहले था सेम सरकार, वंदे मातरम भैया, इस बार भी वही आएंगे? वही आ जाएंगे मौजूदा। तो उन्होंने काम किया? जी भैया, काम तो करा उन्होंने। जैसे अब सफाई में हमारा कन्नौज का बढ़िया स्थान है प्रदेश में, नगर पालिका में बढ़िया स्थान है, लोगों का सफाई भी होती रहती है, कूड़े वाले भी सुबह सीटी बजा के कूड़ा आता है, वो बिल्कुल काम हुआ। चलिए लगातार देखिए हम युवाओं से जान रहे हैं, लेकिन अब जैसे आप युवा हैं, योगी सरकार एक गुंडागर्दी वाला बड़ा फैक्टर मान, वो फैक्टर इस चुनाव में भी रहेगा लोगों की? देखिए योगी सरकार ने गुंडागर्दी कम की, वो फैक्टर नहीं, गुंडागर्दी तो बिल्कुल है नहीं सरकार में, मतलब बिल्कुल एकदम, मतलब गुंडागर्दी मिटाना मतलब वो गुंडागर्दी नहीं होती, कुछ चीज़ गलत हो रहा है हमारे प्रदेश में, तो योगी सरकार उसे दूर कर रही है, तो वो गुंडागर्दी तो नहीं है, जो जैसा करेगा उसका तैसा ही होगा ना। अब कुछ गलत कर रहा है इंसान, तो देर उसको तुरंत उसको नहीं मिल रहा है इंसाफ, तो इंसाफ मिल रहा है, इनकाउंटर हो रहे हैं, तो ऐसा ही है, मतलब कुछ गलत करोगे किसी के साथ, पब्लिक के साथ, तो गलत तो होगा ही फिर ना। चलिए लगातार हम देखिए युवाओं से बात कर रहे हैं, उधर भी कुछ भैया है, तो ये आपका वोट बन गया? जी बन गया। बन गया तो क्या लग रहा है इस बार? सर तो शैलेंद्री भैया लग रहे हैं। लग रहा फिर से उनको जितवा रहे? जी लग रहा है जी, लग। तो काम किया उन्होंने? हाँ काम किया है। काम किया उन्होंने। चलिए भैया से लगातार हम बात कर रहे हैं, आपसे ही बात करते हैं कि आपको क्या लग रहा है चुनाव? चुनाव वंदे मातरम। वंदे मातरम सिर्फ, यानी फिर से मौजूदा नगर निकाय सपोर्टर हो क्या उनके? बंदे सपोर्टर नहीं है, वोट काम किया। काम किया उन्होंने। काम किया उन्होंने। काम किया, यानी लग रहा है कि फिर से नहीं, फिर से भी होएगा फिर से। अब जैसे अब बात करें आवारा पशु, एक बड़ा मुद्दा है, मैं जगह जगह जा रहा हूँ, तो वो एक बड़ा शहर में दिक्कत है? है तो, लेकिन अब करें क्या, छोड़ दो, अमीर रखे हैं, हमारे तुम्हारे तो हैं पशु, कोई बाबा और किसी ना सांसद ने ना किसी चेयरमैन ने ये थोड़ी ना छोड़े, तो हमारे तुम्हारे तो हैं। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार, दिक्कतें क्या आपके शहर की? दिक्कतें कुछ नहीं, दिक्कतें कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। ठीक, सब ठीक चल रहा है इनके राज में। भाई साहब प्रत्याशी शैलेन अग्नोत्री ठीक है। ठीक है, ठीक, यानी मौजूदा आप चेयरमैन से खुश हैं इसका? मौजूदा चेयरमैन ठीक है, उन्होंने काम किया आपको लग रहा है? ठीक किया, काम किया, सफाई भी की नहीं, मगर हाँ सही है, शैलेन अग्नोत्री बड़े आदमी है। शैलेंद्र अग्नोत्री, यानी मौजूदा चेयरमैन से आप बड़े आदमी। लेकिन एक बात, अगर जैसे आवारा पशु, साफ सफाई, ये सब चीजें दिखती है क्या? वो चेयरमैन थोड़ी ना दिखी है, वो जिम्मेदारी नगर पालिका की। हाँ वो है, लेकिन कहाँ तक की चेयरमैन घूमे बता वो, जानवर थोड़े वो पकड़ी यार, जानवर जी के घरे भैंसी ना कोई छोड़ देता अपनी, भैंसी छोड़ा है तब जाना है हम, ये सिर्फ गाय और सांड को छोड़ ही जाते हैं भैंसी, सबसे बड़ी बात है। तो देखिए हमने कन्नौज में जगह जगह गए, और ये बृजेश पाठक जो सांसद है बीजेपी के, उनका माफ कीजिएगा सुब्रत पाठक, उनका ये इलाका पड़ता है, और उसी इलाके में हम यहाँ पर घूम घूम के लोगों से जाना कि आखिरकार चुनावी माहौल क्या है, तो कन्नौज की जनता क्या चाहती है। हालांकि मौजूदा चेयरमैन हैं, उनसे लोग खुश भी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग नाराज भी आए, कुछ मोहल्लों में हम गए तो व्यापारियों से बात की, कोई कह रहा सपा का यहाँ पर माहौल रहेगा, कोई कह रहा कि बीजेपी का माहौल रहेगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा जब जनता अपना चेयरमैन चुनेगी। तो फिर अगले शहर में मुलाकात होगी और लोगों से करेंगे हम इलेक्शन की रामदाम।